हमारे चैनल पॉइंट 91 में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और ज़रूर देखिए। ये सारे रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने वैसे ले लिया जैसा एग्जाम में आया था क्वेश्चन, सेम टू सेम। पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए ड्रिलिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का क्या नाम है जो जहाँ पर दिखाया गया, ऐसा क्या नाम है? ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ड्रिल चक। क्या है ये? ड्रिल चक है। यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए टूल का नाम बताइए। इस टूल का क्या नाम है? इस टूल का क्या नाम है? तो इस टूल का नाम है बुलनोज स्क्रैपर। बुलनोज स्क्रैपर, ये जैसा एग्जाम में आया गया था सेम टू सेम हम इसको कॉपी करके आपको बता रहे हैं। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित औजार का क्या नाम है? चित्र में प्रदर्शित औजार का क्या नाम है? तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, हैंड वाइस। क्या हो जाएगा? हैंड वाइस। ये हमने सारे क्वेश्चन के इकट्ठे किए हैं तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड इतनी मेहनत करने के लिए। नीचे दिए गए चित्र में ड्रिलिंग की कौन सी प्रक्रिया दिखाई देती है? ये जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है ये कौन सी प्रक्रिया है? काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ए, काउंटर सिंकिंग। क्या हो जाएगा? काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में पिलर ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है तो इस भाग का एक्स भाग का अंकित भाग का नाम बताइए। इस भाग का क्या नाम है जो दिखाया गया है? क्या नाम है? फीड हैंडल, ड्रिल चक, वर्क टेबल, बेस। क्या नाम है इसका जो दिखाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका? राइट आंसर हो जाएगा ड्रिल चक। क्या हो जाएगा? ड्रिल चक। इस वीडियो में केवल हमने डायग्राम वाले क्वेश्चन लिए हैं, इकट्ठे किए हैं जो एग्जाम में आए गए हैं। चित्र में प्रदर्शित सोल्डरिंग आयर का नाम क्या है? जो सोल्डरिंग आयर, इसका नाम क्या है? सोल्डरिंग आयर है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है फ्रेंड? वर्गाकार नोकदा सोल्डरिंग आयर, हैचेट सोल्डरिंग आयर, मीडिया ड्यूटी सोल्डरिंग आयर, वैद्युत सोल्डरिंग आयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, वर्गाकार नोकदा सोल्डरिंग आयर। फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चित्र में प्रदर्शित स्टोक क्या है? जो स्टोक है ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? गोल शीर्ष स्टेक, कीप स्टेक, अर्धचंद्राकार स्टेक, ताम्रकारी स्टेक। तो इसके डिजाइन से समझ में आ रहा फ्रेंड, ये देखिए इससे समझ में आ रहा है ये क्या है, क्या हो सकता है? हाफ यानी अर्धचंद्राकार स्टेक। क्या है? अर्धचंद्राकार स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस रिविट का नाम क्या है? इस रिविट का क्या नाम है? इस रिविट का क्या नाम है? तो क्या नाम है? पैन हेड रिविट, शंकु हेड रिविट, स्नैप रिविट या काउंटर सेंक हेड रिविट। तो क्या कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा, आप यहाँ से पता भी लगा सकते हैं इसको। देखिए ये देख, इसकी जो डिजाइन है इस कौन शंकु की तरह है, ये ऐसे शंकु की तरह है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकु हेड रिविट। क्या हो जाएगा? शंकु हेड रिविट, क्योंकि इसकी डिजाइन भी शंकु की तरह है। पैन की तरह होती तो इस तरह होती, पैन की तरह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शंकु हेड। ये गैस वेल्डिंग से क्वेश्चन है, निम्न अंकित भाग एक्स का नाम बताइए। अंकित भाग एक्स का नाम क्या है? इस भाग को बताइए, इसका क्या नाम है? हैंडल है, नोजल है, मिश्रण कक्ष है, एसिटिलीन कंट्रोल वॉल्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नीचे है तो यहाँ पे कंट्रोल वॉल्व होता है, आप आइडिया लगा सकते हो जब देख के, आपने प्रैक्टिकल किया होगा कॉलेज में, तो क्या होता है
स्ट्रेन कंट्रोल वाल्व क्या है? ये स्ट्रेन कंट्रोल वाल्व होता है, एक ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व होता है, एक स्ट्रेन कंट्रोल वाल्व होता है, दो होते हैं, ऑक्सीजन वाला होता है और एक स्ट्रेन वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की वेल्डिंग टॉर्च दर्शाई गई है? ये कौन सी वेल्डिंग टॉर्च है? हाई प्रेशर टॉर्च, लो प्रेशर टॉर्च, ऑटोमेटिक प्रेशर टॉर्च, स्वचालित दाब टॉर्च, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सा है। ये टॉर्च है हाई प्रेशर टॉर्च, उच्च दाब टॉर्च है। कौन सा है? उच्च दाब टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आर्क वेल्डिंग उपकरण दर्शाया गया है? कौन सा आर्क वेल्डिंग उपकरण दर्शाया गया है? क्या भू क्लैम, इलेक्ट्रोड होल्डर, वेल्डिंग केबल, शोल्डर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड होल्डर। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड होल्डर। फ्रेंड आपको कहीं भी जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ आपको यही सारे एग्जाम में आएंगे और ये कई बार आ भी चुके हैं, और जो आगे वाले आने वाले एग्जाम हैं यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। आप दो तीन बार कर लीजिए तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चित्र में एक्स भाग अंकित भाग क्या है? ये एक्स वाला पोर्शन क्या अंकित करता है, इस चीज़ को क्या बोला है? क्या है? फेस वेल्डिंग है, वेल्ड फेस है, वेल्ड अक्ष है, इलेक्ट्रोड है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड फेस। क्या हो जाएगा? वेल्ड फेस। ये जो चित्र वाले क्वेश्चन है इनके हम सारे चित्र एक दो दो या तीन वीडियो में सारे कवर कर देंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। रीमर के भाग का क्या नाम है? ये जो रीमर का भाग है, ये रीमर का ड्राइंग है, इसके इस भाग का नाम क्या है? चित्र में ए दर्शाया गया रीमर के भाग का क्या नाम है? कर्तन कोर, हील, फ्लूट, फ्लक। कर्तन कोर, हील, फ्लूट, फ्लक। तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा बी, हील। ये सारे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है, चेंज भी नहीं किया कुछ भी एकदम। ट्विस्ट ड्रिल में के एस अक्ष द्वारा अंकित भाग की पहचान कीजिए। ट्विस्ट ड्रिल के एक्स अक्ष पर अंकित भाग की पहचान कीजिए। तो कौन सा भाग है ये चीज वाला? टैंक फ्लूट है, सैंक है, मार्जिन है, फ्लूट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? डी, फ्लूट है। क्या है ये? इसका फ्लूट है, ये वाला पोर्शन ये फ्लूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अक्सर पूछा जाता है, किसी कॉलेज के एग्जाम में ही पूछा जाता है और कंपटीटिव एग्जाम में ये तो कई बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे। अंकित भाग का नाम क्या है इस चीज़ के बारे में आप सभी जानते होंगे इसका, क्या है? स्पिंडल, एनविल, बैरल स्लीव या स्लीव? इस तो क्या है आप सभी जानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या है? थिम्बल है, ये थिम्बल, ये थिम्बल है, ये रैचिट है, ये फ्रेम है, ये मेन स्केल है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक आ चुका है एग्जाम में। प्रदर्शित पाठ्यक्रम माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 12.69। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12.69। 12.69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित यंत्र का नाम है, ये कौन सा यंत्र है? आउटसाइड माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, फ्लैंज माइक्रोमीटर है, या ट्यूब माइक्रोमीटर है? कौन सा माइक्रोमीटर फ्रेंड आप? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ थ्रेड फंसा हुआ है तो इससे आप समझ सकते हैं ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। ये थ्रेड नाप मेजर कर रहा है, जिसको आप देख के कुछ आप देख के अंदाजा लगाइए, देखिए ये थ्रेड मेजर कर रहा है, इसलिए कौन सा है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता, कॉलेज के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। ये एक एक्स भाग अंकित का भाग का नाम बताइए।
एक अंकित भाग का नाम बताइए तो क्या हो जाएगी, स्थिर जबड़ा है, गसील जबड़ा, वर्नियर स्केल, मेन स्केल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, बी गसील जबड़ा। गसील जबड़ा ये जो फिक्स रहता है, ये जो क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये मूव करता है, ये स्केल होती है, ये डेप्थ मापने काम आता है, ये डेप्थ के लिए काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिलिंग मशीन के एक्स भाग का नाम क्या है, ड्रिल मशीन के एक्स भाग का नाम क्या है, एक्स भाग कहाँ इसका, ये एक्स भाग है, इसका क्या नाम है, इस भाग का क्या नाम है, तो इसको देख सकते हैं, इसका बेस है, कोई भी चीज़ के नीचे बेस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये सबसे बॉटम में है, और सबसे बॉटम में क्या होता है, बेस होता है, ये बेस है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें अरेंजमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, चित्रवाइस में के ए भाग का नाम बताइए, एक भाग का क्या नाम है इसका, आप अपना आंसर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, हैंडल, हैंड जबड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कॉलेज में जरूर वॉइस का यूज किया होगा, तो इसको आप अच्छे से जानते होंगे, ये क्या है, ये चल जबड़ा है, क्या है, मूवेबल जॉ, ये स्पिंडल लगा हुआ जिससे ये हैंडल है, ये हैंडल है, ये हैंडल जिससे हम घुमा घुमा के इसको ओपन करते हैं और जॉ फंसाने के बाद इसको टाइट कर देते हैं। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, चल जबड़ा। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं और ये चली रही है, तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब नई हम वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।